हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी दोस्तों जे ओ का जो एग्जाम होना है पोस्ट कोड आठ सौ सतारह का उसके लिए हमने जो स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है आज जो है इस सीरीज़ का ये इलेवेंथ पार्ट है प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है वहाँ जो है आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सल्यूट सेल रिफ्रेंस इन एम एस निम्न में से कौन सा एम एस में एप्सल्यूट सेल रिफ्रेंस का उदाहरण है बात करें सेल रिफ्रेंसेज की तो एम एस एक्सल में जो है तीन प्रकार के सेल रिफ्रेंसेज होते हैं कौन कौन से रिलेटिव सेल रिफरेंस एप्सल्यूट सेल रिफरेंस और मिक्सड सेल रिफरेंस सिंपल वे में बात करें तो एप्सल्यूट सेल रिफ्रेंस में जो है डॉलर साइन होता ही होता है बाकी तीन ऑप्शन में डॉलर साइन नहीं है तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर रहेगा विच लेयर इन द आई एस ओ एस आई रिफ्रेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉबिट ओवरऑल कम्युनिकेशन चैनल आई एस ओ ओस आई एयरफेंस मॉडल में है वह स्तर कौन सा है जो रॉबिट को संचार चैनल के पार प्रसार के लिए उत्तरदायी है सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए फिज़िकल लेयर बात करें आई एस ओ ओस आई मॉडल की तो इसमें जो है सेवन लेयर्स होती हैं कौन कौन सी फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर एस आई की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकोनेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डा टी सी पी स्लैश आई पी प्रोटोकॉल सूट निम्न में से किसने टी सी पी स्लैश आई पी प्रोटोकॉल सूट विकसित किया था सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बॉब काहन तथा विंट सर्फ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आई पी वर्जन फॉर एड्रेस न्यून में से कौन सा एक अमान्य आईपी वर्जन फोर एड्रेस है आईपी एड्रेस जो इनवैलिड रहता है वो कौन सा रहता है जिसमें कोई नंबर जो है टू फिफ्टी फाइव से अबव हो या जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो उसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसमें जो है एक नंबर टू फिफ्टी सेवन जो है टू फिफ्टी फाइव से अबव है तो ये इनवैलिड वैलिड आई पी एड्रेस है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी फोर्टी एट बिट्स सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर टू टाइप्स ऑफ सिंगल मोड तथा मल्टी मोड किसके दो प्रकार हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के व्हाट इज द आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग वाईफाई नेटवर्किंग के लिए आई ट्रिपल ई मानक क्या है एट जीरो टू पॉइंट इलेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ आई पी एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज निम्न में से कौन से आई पी एड्रेस प्रास निजी उपयोग के लिए आरक्षित है सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज निम्न में से किस बेतार संचार तकनीक की प्रास सबसे लंबी है लॉन्गेस्ट रेंज रहती है वाईफाई की ऑप्शन ए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अन गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम न्यून में से कौन सा बिना निर्देश का प्रसार माध्यम है सही सहीस रहेगा ऑप्शन बी माइक्रोवेवस ओएफसी की फुल फॉर्म रहती है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और ओ यू टी पी की फुल फॉर्म रहती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आर द डैश शेड्यूलिंग एल्बोरिथम्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रॉन रॉबिट तथा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है सीपीओ के ऑप्शन इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन सही रहेगा अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रचालन प्रणाली मुक्त तथा खुला स्रोत है सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी लाइनेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है सही आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य वर्जन नहीं है साइंस रहेगा विंडोज नाइन विच इज द वर्चुअल असिस्टेंट फॉर व्हाट विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम का आभासी सहायक कौन सा है साइंस रहेगा ऑप्शन सी कोर्टाना विच इज द शॉर्टेस्ट की इन विंडोज टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड्स विंडोज़ में रन बॉक्स को शो करने के लिए जहां आप कमांड टाइप कर सकते हैं शॉर्टकट की कौन सी है सहींस रहेगा ऑप्शन डी विंडोज़ प्लस आर माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट इन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डैश माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम में इन बिल्ट एंटी प्रोग्राम है सहींस रहेगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर विच इज component ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट provides द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम सेटिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वह घटक कौन सा है जो सिस्टम सेटिंग को देखने तथा उसमें बदलाव करने की क्षमता उपलब्ध करवाता है सही सर रहेगा कंट्रोल पैनल विच इज अ वे टू बूट अ विंडोज बेस्ड कंप्यूटर इन डायग्नोस्टिक मोड वेन देर अ सिस्टम क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ विंडोज सही ऑप्शन सी सेफ मोड यानी कि सेफ मोड नैदानिक मोड में एक विंडोज आधारित कंप्यूटर बूट करने का तरीका है जब सिस्टम की जटिल समस्या विंडोज के सामान्य प्रचालन में दखल करती है द मेन जॉब ऑफ अ सी पी यू इज टू सी पी यू का मुख्य कार्य है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी कि प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस द इंस्ट्रक्शन कोड यूज इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाइज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू इज सीपीयू के मूलभूत प्रचलनों के विवरण के लिए मशीन अथवा असेंबली भाषा में प्रयुक्त निर्देश कोड क्या है ऑप्शन ए ऑपरेशन कोड पीसीज आर कंसीडर्स फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन निजी कंप्यूटर को चौथी पीढ़ी का माना जाता है तथा उसमें होता है पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें उसमें जो क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर्स विच ऑप्शन इज यूज फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कर्सर ऑफ माउस माउस कर्सर की गति को बढ़ाने घटाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त होता है सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक बॉल जो है किसका उदाहरण है सही आंसर रहेगा पॉइंटिंग डिवाइस विच प्रिंटर्स हैव टाइनी हैमर लाइक कीज दैट स्ट्राइक द पेपर थ्रू एन इंक रिबन किस प्रिंटर में छोटी हथौड़ी जैसी की होती है जो एक स्याही वाली रिबन से पेपर पर घात करती है सही आंसर रहेगा नन नप दीज इनमें से किसी में भी नहीं है स्टोरेज डिवाइसेस में भी संग्रहण उपकरण हो सकते हैं सही आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी यानी कि सिक्वेंशियल एक्सेस टाइप ओनली और डायरेक्ट एक्सेस टाइप ओनली सी डी रोम इज अ सी डी रोम क्या है सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं है द बेस और रेडिक्स ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज दशमल दशमलव संख्या प्रणाली का आधार या रेडिक्स है कौन सा है टेन ऑप्शन बी द यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूज डैश बिट्स पर बाइट यूनिकोड बाइनरी सिस्टम जो है डैश बिट्स प्रति बाइट प्रयुक्त करता है सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि यूनिकोड बाइनरी सिस्टम यूजेस सिक्सटीन बिट्स पर बाइट एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जारगोन फॉर इट सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में एक त्रुटि जो है बग कहलाती है उसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर विशिष्ट शब्दावली जो है क्या है ग्लिच विच इज़ ट्रू अबाउट सुडो कोड सुडो कोड के संदर्भ में कौन सा सही है साइंस रहेगा ऑप्शन डी नॉन ऑबिज इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है इसके बारे में कंपाइलर्स आर कम्पाइलर्स जो है क्या है सही साइंस है ऑप्शन ए ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट यानी कि केवल प्रचालन प्रणाली आधारित द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर परिचालन प्रणाली डैश सॉफ्टवेयर का सर्वसामान्य प्रकार है सही साइंस रहेगा ऑप्शन बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेड पॉसिबली बाय सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सीपीयू वाइल्ड वर्किंग विद एम एस डॉस विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर एम एस डॉस के एक साथ काम लेते समय एक निश्चित फाइल फॉर्म को एक डिस्क से अन्य में कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड प्रयुक्त होती है सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कॉपी कमांड अ विंडो दैट इज डिस्प्लेड वेयर एवर द प्रोग्राम रिक्वायर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू इज कॉल्ड एन एक विंडो प्रदर्शित होती है जब भी प्रोग्राम को आपसे कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए होती है क्या कहलाती है डायलॉग बॉक्स टू सेलेक्ट लाइन इन एमएस वर्ड प्रेस दिस की एंड क्लिक एनी वेयर इन सेंटेंस दिस की एक लाइन चुनने के लिए यह की दबाकर वाक्यों में कहीं पर भी क्लिक करें यह की कौन सी है कंट्रोल की यानी कि ऑप्शन बी इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कंटेन्स रिलेटेड वर्कशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किस में संबंधित वर्कशीट तथा डॉक्यूमेंट्स होते हैं सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वर्कबुक। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रजेंटेशन पावर पॉइंट प्रजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग हो सकता है सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रिहर्सल टाइमिंग आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद